हेलो दोस्तों, अजय टेलर्स ऑनलाइन टेलरिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेंट का खर्चा जमाना और उसकी प्लेट्स जमाना, पेस्टिंग कैसे चिपकाई जाती है, पूरा जानकारी आज हम आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जेब का निशान लगाएंगे। इसमें सीधी जेब लगेगी, प्लेट वाली पेंट है तो 6.5 इंच की हम जेब का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच लंबी, ऊपर से 2 इंच आप छोड़ सकते हो तो 2.25 भी छोड़ सकते हो। अब हम इस पर पट्टी पेस्टिंग जो होती है, जो शर्ट की पट्टी पे लगती है, वो लगाएंगे ताकि जेब की फिनिशिंग अच्छी आ सके। इसको हम इतना मार्जिन 0.5 इंच छोड़ के जमा लेंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से दोनों जेब की पेस्टिंग चिपका लेंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। मिडिल वाली प्लेट का निशान एकदम मिडिल में लगाएंगे, इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। एकदम परफेक्ट तरीका है दोस्तों ये प्लेट जमाने का। अच्छे तरीके से प्लेट जमा लेंगे। अब हम दूसरे की प्लेट जमाएंगे इस तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से तह लगा देंगे इसकी। अब हम दूसरी प्लेट, जो दो प्लेट डलती है, उसमें दूसरी प्लेट का निशान लगाएंगे इस तरीके से कुछ। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से दूसरी पार्ट है उसका भी प्लेट जमा लेंगे, दूसरी प्लेट। अब दोस्तों हमें क्या करना है पेंट की, अब हम दोस्तों 1.25 इसका चौथा हिस्सा है 37 का और 0.5 इंच मार्जिन रखेंगे, तो 9.5 हमें तैयार रखना है फेस अगला। और जितना एक्स्ट्रा है उसकी हम प्लेट जमा देंगे, 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी है। और जो ये मिडिल वाली प्लेट है, ये दोस्तों उससे पहली वाली से थोड़ी ज़्यादा बड़ी डलेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो मिडिल वाली मैं अब जमा रहा हूँ, ये थोड़ी बड़ी प्लेट डलेगी पहली वाले से, पहली वाली थोड़ी छोटी होगी। इससे हमें 9.5 तैयारी रख सॉरी 1.25 तैयारी रखना है और 9.5 इसको पूरा रखना है 0.5 इंच मार्जिन का। 0.5 इंच ही मार्जिन रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगला जो पार्ट होता है वो पीछे वाले पार्ट से लगभग 0.5 इंच छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से इस पार्ट की हम पेस्टिंग सॉरी प्लेट जमा लेंगे। जितनी उस पार्ट की जमाइए उतनी ही नाप के इसकी भी हम जमा लेंगे, अच्छी तरीके से तय लगा लेंगे इसकी। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो प्लेट का मुंह है होता है, ये जेब की तरफ होता है, आप गलती से पीठ की तरफ मत कर लेना। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, इसका जो प्लेट का मुंह है वो जेब की तरफ है दोस्तों, ये देखिए। तो हमने प्लेट जमा ली है दोस्तों। अब हम इसका बेल्ट काटेंगे, 37 इंच है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं गोल बेल्ट लगाता हूँ तो पहले गोल हम इसको शेप दे देंगे इस फरमे से अच्छी तरीके से। अब हम 2.5 का निशान लगाएंगे पहले 2.5 इंच पे, और अब हम यहाँ से 0.5 हिस्सा 18.5 पे लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन रख देंगे दोस्तों आगे बेल्ट में, जो मार्जिन होता है 2 इंच का वो रख देंगे। और यहाँ पर एक गुटका मार्जिन का, और ये फिर से गुटका 18.5 पे, ये दूसरा बेल्ट है दोस्तों। और ये भी हम 2.5 ही रखेंगे दोस्तों, जो दूसरा भाग है इसको हम इस तरीके से गोलाई शेप दे देंगे त्रिभुजाकार। और हम एक पार्ट और काटेंगे 5 इंच पे, 5 इंच पेस्टिंग का एक पार्ट काटेंगे, जो गोल वाला भाग है उसके ऊपर चिपकेगा। चौकोर वाले में तो हम साथ में ही लंबा बेल्ट काट लेते हैं, लेकिन जो गोल वाला बेल्ट हमें रखना होता है उसके लिए हमें अलग से एक पार्ट काटना होता है, इसको भी हम गोल शेप दे देंगे।
ताकि ये इसके ऊपर गोल वाले पार्ट के ऊपर आ जाए। ये देखिए मैं नाप के दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से, ये 18.5 है और 2 इंच मार्जिन पीछे और 2.75 आगे। इस तरीके से हमने अपना बेल्ट कटिंग कर लिया है, इसको हम गोल शेप दे देंगे। आप चाहो तो चौकोर भी लगा सकते हो, उसको जो एक ये एक्स्ट्रा गोल पार्ट काटा है एक अलग से, उसमें ये साथ में ही आ जाता है 5 इंच का आगे, वो मुड़ जाता है सीधा। अब हम बेल्ट चिपकाएंगे दोस्तों। दोस्तों बेल्ट हमेशा कपड़े के उल्टे भाग पे चिपकेगा और आड़ा चिपेगा, कपड़े पे सीधा नहीं चिपेगा, आड़े कपड़े पे चिपेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बेल्ट हमेशा आड़े कपड़े पे चिपेगा। इस तरीके से दोस्तों अच्छे से चिपकाएंगे बेल्ट को, इसमें हल्की सी गोलाई देंगे आगे से ताकि ये पेट के कमर के हिसाब से गोलाई ले ले, सीधा नहीं चिपकाते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा आगे से गोलाई देंगे इसको, इस तरीके से जैसे मैंने दी है। अभी इस बेल्ट को भी अपन चिपका लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों अच्छे तरीके से मार्जिन रख के। मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, ऊपर नीचे का मार्जिन दोनों साइड में रखना है मार्जिन। अब हम मार्जिन को मोड़ लेंगे इस तरीके से अच्छी तरीके से एकदम पेस्टिंग के चिपका के। अब इसमें हम थोड़ा शेप दे देंगे प्रेस से भी, थोड़ी गोलाई दे देंगे ताकि ये कमर के हिसाब से एडजस्ट हो जाए।
अब हम दोस्तों ऊपर वाले भाग को मोड़ लेंगे। ये जो बेल्ट बनेगा ग्रिप लग के उस पर चिपकेगा, ये उस पर सिलाई आएगी और नीचे वाला भाग पेंट के लगेगा जो बिना मुड़ा हुआ है। अब जो गोल पार्ट है इसको ऊपर से गुटके से इतना मोड़ लेंगे और नीचे से वैसे ही पूरा मोड़ देंगे। ये भाग मैं अभी बताया था वैसे बेल्ट वाले के लगेगा जिस पे ग्रिप लगाते हैं उसके, और नीचे वाला भाग पेंट के लगेगा। जो नीचे वाला सीधा भाग है वो पेंट के साथ जुड़ेगा। ये जो ये मोड़ा गया है, जो ये जो ग्रिप लगेगी उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये हमने बेल्ट का कपड़ा काट लिया है जो अटैच ग्रिप के साथ अटैच होगा, ये बेल्ट पे लगेगा। इसको हमने काट के अलग कर लिया है। हम दोस्तों वो पार्ट काटेंगे जो जेब के अंदर लगेगा ताकि अस्तर दिखाई ना दे बाहर से। इसको जेब के अंदर वाले भाग पे लगाएंगे ताकि बाहर से जेब जब खुली थोड़ी खुले या हाथ अंदर हो तो अस्तर दिखाई ना दे। अब हम दोस्तों बैक पॉकेट बनाने के लिए इसके ऊपर पट्टी पेस्टिंग चेपेंगे, जो शर्ट की पट्टी होती है वो लगभग 6.5 इंच 7 इंच की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँगा। कोई भी आपको टेलरिंग के संबंधित प्रॉब्लम हो मुझसे इस कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूँगा। इस तरीके से अपनी पूरी पेंट दोस्तों जम चुकी है, प्लेट वाली पेंट। धन्यवाद दोस्तों।